हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में आज सीखने क्या वाले हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट और यहां पे इसकी प्राइस लिखी हुई है, यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट और इसका रोल नंबर। अब ये रोल नंबर जो है अरेंज्ड वे में नहीं है, कहीं दो है, कहीं एक है, कहीं सात है, कहीं आठ है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसको सही भी करना है और दूसरा काम ये करना है हमें कि ये जो लिखा हुआ है ना, यहां पर इस पे कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तो बॉर्डर कैसे लगाएं, सबसे बड़ी चीज है कि बॉर्डर कैसे लगाएं। तो बॉर्डर लगाने के लिए तो बहुत सारी टेक्निक है। देखिए यहां पर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए जितने पार्ट पे बॉर्डर लगाना है और यहां पे होम टैब में रहते हुए यहां पर आ जाइए ड्रॉप डाउन पर। ये जो ड्रॉप डाउन दिया हुआ है यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल बॉर्डर दिखाई पड़ेगा, आप बॉर्डर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह से बॉर्डर लगा करके मजा नहीं आएगा, बॉर्डर लगाने का एक शॉर्टकट होना चाहिए। तो शॉर्टकट के लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर कंट्रोल प्रेस करके इसे भी मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब आपको कीबोर्ड से प्रेस क्या करना है, देखिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है, पहले अल्ट प्रेस कर दिया, अब आपको प्रेस करना है एच, ठीक है, ये भी प्रेस कर दिया, अब क्या प्रेस करना है बी, और अब क्या प्रेस करना है ए। तो जैसे ही अल्ट बी एच ए प्रेस करेंगे तो ये देखिए दोनों ही पे बॉर्डर अप्लाई हो गया है ना, बढ़िया ट्रिक। अब इसको हमें अरेंज करना है, ये रोल नंबर जो दिख रहा है ना, हम ये चाहते हैं कि ये ऑर्डर में आ जाए। तो यहां पर आपको मिल जाता है शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन ए टू जेड के फॉर्म में, इसे शॉर्ट करा लीजिए, ये हो गया आपका शॉर्ट। देखिए रोल नंबर एकदम अरेंज हो गया है और ये एकदम अब लाइन वाइज आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।